नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूँ। बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी न्यूज के बारे में जो कल शाम को रिलीज हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है बच्चों। अब इसके बारे में आगे बताने से पहले, इसके एनाटॉमी आपको बताने से पहले, मैं आपसे बात करूंगा कि वो बच्चे जो 500 मार्क्स से 600 मार्क्स या 580-570 के बीच में हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और उनको पता है कि उनके नॉलेज में या उनकी तैयारी में कोई गलती नहीं था और वो फिर से तैयारी उसी ही पैटर्न पे शुरू कर रहे हैं बिना कहीं कोचिंग ज्वाइन किए। तो बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने जो गलती पिछले साल की थी वो आप इस साल भी रेक्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलती को रेक्टिफाई नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है और आप डिजर्व करते हैं सेलेक्ट होना, लेकिन आप इसलिए अपनी गलती को रेक्टिफाई या सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी गलती की थी। आपको आइडिया नहीं है कि आपकी गलती कहां हुई थी। हम लोगों को कई सारे ऐसे कॉल आते हैं, कई सारे हम लोग हमको बात करते हैं, बोलते हैं मैंने तो पूरी तैयारी की थी सर, मेरे बबलिंग में गलत हो गया, जब ओएमआर को मैं बबल कर रहा था उस टाइम मैंने गलती कर दी। सर, मैंने पूरी पढ़ाई की थी, पूरी तैयारी की थी, एग्जाम के टाइम पे मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो थोड़े देर के लिए हट गया। ऐसी गलतियां लगभग हर एक बच्चा करता है जो 500 से 560, 570 के बीच में आके फंसा हुआ है और वो अपनी तैयारी फिर से शुरू करने जा रहा है। जो जा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे, वो अपनी गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलती का अंदाजा ही नहीं है। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल एग्जाम होगा, उस एग्जाम में उनके 600 मार्क्स आएंगे, शुरुआत में वो खुश होंगे, लेकिन जैसे इस साल 570 पे 608 कट ऑफ जा रहा है, अगले साल 600 पे 625 नंबर कट ऑफ जाएगा, फिर वो उतने ही नंबर लैक कर जाएंगे जितने नंबर वो इस साल किए हैं। तो बच्चों, आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए है। हमारी टीम जो कि IITians, मेडिकोज और टॉप फैकल्टीज से मिलकर बनी है, वो आप लोगों को मेंटोर करेंगे। पहले आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे सर्वे फॉर्म को भरे, क्योंकि आप लोगों को क्या गलतियां कर रही हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, इसको एनालाइज करने के लिए हमको आपका डेली स्टडी रूटीन, डेली आप कितने बजे उठते हैं, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाएं और सर्वे फॉर्म को भरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपको अनअकैडमी के एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे जो बिल्कुल फ्री है। बायोलॉजी डे ऑन अनअकैडमी कल मनाया जा रहा है, जिसमें 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स और आपके नीट क्रैक किए हुए बच्चों से अच्छी अच्छी बायोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि अनमोल सर आपको बताएंगे एक ऐसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर के मॉक्स को करना है, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को। तो अगर आपका बायोलॉजी कमजोर है, आप इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार जरूर जाके विजिट करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ पिछले साल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उत्तर प्रदेश की स्टेट 85% की काउंसलिंग के लिए। पिछले साल वन डोमिसाइल की बाध्यता नहीं थी, तो कोई बच्चा जो यूपी का रहने वाला है लेकिन दिल्ली स्टेट में पढ़ाई किया है तो वो भी यूपी में काउंसलिंग के लिए करा लेता था रजिस्ट्रेशन। लेकिन इस साल वन डोमिसाइल सिस्टम, अब सिर्फ एक डोमिसाइल में करा सकते हैं। तो इस साल टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो 16,000 तक है, 16,000 के आसपास है। पिछले साल से लगभग 3,000 कम कैंडिडेट्स ने इस साल नीट 2020 उत्तर प्रदेश स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया है
और बच्चों इस साल की जो सीटें हैं वो सीटें भी इंक्रीज हुई हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी 800 तक सीटें इंक्रीज हुई हैं। बहुत ही बड़ी अभी एक इस पे हम अपडेट नहीं अभी आपको दे पाए हैं कि सीट रेगुलेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो सीट रेगुलेशन का जो था वो अभी यूपी में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमको इस पे कोई भी अपडेट मिलती है हम लोग आपको इसके ऊपर अपडेट दे देंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने मार्क्स के ऊपर वाले बच्चे उत्तर प्रदेश स्टेट के अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वो बच्चे हैं 604 मार्क्स के ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं वो मान सकते हैं कि वो उस ग्रीन जोन में है जिसमें वो सिलेक्शन पा सकते हैं। और जो बच्चे 608 मार्क्स के ऊपर हैं वो बच्चे एब्सोल्यूट ग्रीन जोन में है, उनका 100% है कि उनको उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बच्चे 604 से 608 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी 50-50 की कंडीशन है, लेकिन आप होप नहीं हारिए, आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में अलॉट हो सकता है। तो बच्चों ये बेसिकली अपडेट थी यूपी के काउंसलिंग की, जो कि कल मेरिट लिस्ट आई है उस पे जो हम लोगों ने एक एनालिसिस की पिछले साल के कंपैरिजन में, और बढ़े हुए सीटों को ध्यान में रख के ये डाटा तैयार किया है कि 604 मार्क्स के ऊपर उत्तर प्रदेश में और आप 85% अनरिजर्व कोटे में मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इस साल और ड्रॉपर्स और सबके लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग लेके आने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पे जाके सर्वे फॉर्म को भरिए, क्योंकि ये सीधा इफेक्ट करेगा आप लोगों की गलती को रेक्टिफाई करने पे। धन्यवाद। सेकंड थिंग इज दैट चूज योर फ्रेंड वाइजली। आप ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या गेम्स में इंटरेस्टेड है या फिर उनको अपना करियर उसी में बनाना है। अपने फ्रेंड्स को एकेडमिक्स में रेस्ट्रिक्ट करो, और यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मूवी और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग गेम्स और एनीथिंग। सो ऑल दीज थिंग्स एंड मतलब दे आर सम कोपिंग मैकेनिज्म्स लाइक हाउ टू कोप विद डिस्ट्रैक्शंस और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप बस अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहो यार, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि बस एक डायरेक्शन लेस होकर पढ़ रहे हो कि हाँ मुझे तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा नहीं ना। अपने आप को एक गोल दो, एक टारगेट दो, और हमेशा पीरियोडिकली उसको रिमाइंड कराओ कि यार मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे नीट 2021 क्लियर करना है, नीट 2022 क्लियर करना है। तो उसके लिए एक टारगेट सेट करो और उसके लिए आप एकदम फोकस्ड होकर के आप बार बार जब गोल को रिमाइंड कराओगे तो फिर आप अच्छे से फोकस्ड होंगे। और बार बार अपने दूसरी चीज़ ये है कि अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में ये सोचो बार बार कि वो कितना हार्डवर्क कर रहा है इस टाइम पे। वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है आपको बस पढ़ाई करने के लिए। तो आप ये बार बार उनके बारे में सोचो, ये थॉट प्रोसेस लेकर के चलो। सो ये और या गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में बोलना, बट या प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।